ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सजग जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ली खुले बोर पर सुध बेसुध। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने विगत दिनों आठनेर के ग्राम मांडवी में घटित घटना से भी, जिसमें 8 वर्षीय बालक तन्मय के खुले बोर में गिर जाने और स्वर्गीय होने पर भी होश में आने की कोई सुध नहीं ली। वहीं जागरूक नागरिक अफजल खान और दीपक अठनेरे ने खुले बोर की सूचना भीमसेना संगठन के जिला सचिव सोनू मासोदकर को दी, जिस पर जिला संगठन के जिला अध्यक्ष रवि सिंगारे और सचिव सोनू ने जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को सूचना दी। साथ ही में पाढ़र स्थित कब्रिस्तान के बाजू में खुले बोर के पास पहुंच गए। संगठन के पहुंचने पर घोड़ा डोंगरी तहसीलदार अशोक डहरिया जी ने ग्राम कोटवार को भिजवा दिया और ग्राम पंचायत के नल जल योजना के सूखे खुले बोर को बंद करवा दिया। भीमसेना संगठन के पंकज अतुलकर ने बताया कि बोर रोड किनारे था, जहां से आंगनवाड़ी के बच्चे सहित ग्रामीणों का आना जाना बना रहता है। यदि प्रशासन ऐसे ही लापरवाही बरतते रहा तो मांडवी की घटना दोबारा हो सकती है, जिस पर जिम्मेदार प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। इनका कहना है जिम्मेदार कर्मचारियों पर 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी, इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस, इनका कहना है बोर नल जल योजना के तहत 2019 में पीएचई विभाग द्वारा कराया गया था, जिस पर ढक्कन लगा हुआ था, शायद किसी चोर गिरोह ने काट दिया होगा। फिलहाल बोर का मुंह बंद कर दिया गया है और आगे स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। पाढ़र क्षेत्र पटवारी अनिल गंजाम, MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। बताए क्या नाम है आपका, किस संगठन से आप यहाँ पर आए और किस कार्य? मैं पंकज अतुलकर हूँ, भीमसेना संगठन से हूँ। आज हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक खुला बोर है, जबकि बैतूल में पूर्व में भी एक बड़ी घटना हो चुकी है आठनेर मांडवी में। किस जगह पे ये खुला बोर था? ये पाढ़र से आमागोहान गांव के बीच में सरकारी बोर है और यह इसकी सूचना मेरे द्वारा जो है तत्काल जिला कलेक्टर महोदय अमनवीर सिंह बैस जी को दी गई एवं बैतूल तहसीलदार प्रभात मिश्रा जी को दी गई। उसके बाद उन्होंने यहाँ कर्मचारी को भिजवा करके तहसीलदार डहरिया जी के माध्यम से इस बोर को बंद करवाया। इस स्थान पे भी हम लोग पहुंचे हैं कि इस तरीके की लापरवाही सही बात नहीं है। क्या ये मेन रोड पर बोर है और यहाँ पर आवाजाही चलती रहती है? यहाँ से बच्चों का आवागमन चालू रहता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पर बाजू में आंगनवाड़ी स्कूल है और यहाँ पर इस तरीके की यदि घटनाएं, इस तरीके का यदि लापरवाही बरती जाएंगी तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को फिर से इस जिले वासियों को झेलना पड़ेगा। किसकी जवाबदेही बनती है? प्रशासन की खुली जवाबदेही बनती है इसमें कि इस तरीके की घटनाएं ना हो और यहाँ पे प्रशासन ने जो है लगातार काम करना चाहिए। इस तरीके से खुला बोर छोड़ करके प्रशासन बड़ी गड़बड़ी को जो है न्योता दे रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हमारी तो पूर्व में भी पूरे जिले वासियों से अपील रही है कि खुला बोर कहीं पर भी ना छोड़े। इस तरीके से खुला बोर छोड़ने पर शासन प्रशासन समेत पूरे जिले की जनता परेशान होती है और जब भी इस पर ध्यान होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में, तब तक के लिए नमस्कार।